समय से सूचना नहीं मिल रही और समय से सूचना मिल रही तो कह रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है कि समय से या बिल्कुल काशी बिल्कुल ने एक बहुत बड़ा किया है और अगर महिला चिंकी बात चौराहे पर अरे एक मिनट यार पीछे तो हो जाओ यार फिर क्या इसमें चल रहा है गिरफ्तार किया गया है शहर बराबर सिटी नेम काशी कुटे मैं बनाऊंगा तब तक। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। ईद का खर्चा पूरा करने के लिए अधिवक्ता महिला से लूटी सोने के चैन, दो युवक गिरफ्तार। काशीपुर में एक महिला अधिवक्ता से सोने के चैन को लूटने की घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी गई चैन को बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों का संबंधित धाराओं में चालान किया है। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अभय सिंह व सीओ अनुषा बडोला ने बताया, जसपुर खुर्द निवासी महिला अधिवक्ता रूहमा पुत्री दिलशाद हुसैन ने पुलिस को बताया कि वो चीमा चौराहे होते हुए घर जा रही थी। इस दौरान कुंडेश्वरी रोड से आए दो बाइक सवार उचक्कों ने उसके गले में पहनी हुई चैन व लॉकेट पर झपट्टा मारकर लूट लिया और फरार हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए गठित टीमों ने घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन कर चेकिंग के दौरान ढीला पुल के पास से एक बाइक सवार ठंडा नाला गुलर भोज थाना गदरपुर निवासी हैदर अली पुत्र यूसुफ व लईक पुत्र तौफीक को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी गई चैन व लॉकेट को बरामद कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि जब भी कोई त्यौहार आता है वो उससे पूर्व झपट्टा मारी व चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस ने आरोपियों का संबंधित धाराओं में चालान कर कोर्ट में पेश किया है। पुलिस टीम ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आशुतोष कुमार सिंह, कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक सतीश कुमार शर्मा, कटोरा ताल चौकी इंचार्ज विपुल जोशी, उप निरीक्षक चित्रगुप्त, कांस्टेबल प्रेम कनवल, दीपक कुमार, गजेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह आदि शामिल रहे। देखिए, आज से 3 दिन पहले शहर का सबसे बेहतरीन चौक हमारा जो चीमा चौक है, यहाँ पे एक हमारी बालिका जो कि कोर्ट में प्रैक्टिस करती है वो अपने घर से और ऑफिस के लिए जा रही थी। लगभग 11 बजे का टाइम था। उसी बीच में दो लड़के जो कि मोटरसाइकिल से आ रहे थे ज्ञानार्थी मीडिया की तरफ से और उन्होंने उनकी चेन खींच ली। ये जब सूचना मिली तो ये चूँकि काफ़ी गंभीर प्रकरण था और जो कि चेन स्नेचिंग की एक तरीके से घटना थी, कि सूचना का तत्काल संज्ञान लेकर के इंस्पेक्टर काशीपुर चौकी प्रभारी कटोरा दाल थाना क्षेत्र के जो सबसे हमारे बेस्ट लड़के हैं जो सीसीटीवी और सुरागरसी में लगे रहते हैं, उन लड़कों की एक टीम बना करके और उनको लगाया गया था। तो हमें एक ब्लैक कलर की जो बाइक थी वो तस्दीक हुई और उसमें दो लड़के थे, इसमें पीछे वाले लड़के ने मास्क लगाया था और जो आगे लड़का बैठा था उसने हेलमेट लगाया था। तो हमें ये यकीन हो गया कि ये प्रोफेशनल लोग हैं और इनके द्वारा ये घटना की गई है। सीसीटीवी ट्रैक करने और सुरागरसी के क्रम में ही हमें एक लिंक मिला था, उस लीड के हिसाब से हमने जब काम किया तो ये दो लड़के पकड़ में आए, जिसमें एक लहीक है और एक तौफीक अहमद है। ये दोनों ठंडा नाला गुलर भोज के हैं। इनके पास से हमें जो लूटी गई चेन थी वो बरामद हुई है और घटना में जो प्रयुक्त बाइक थी वो भी हमने रिकवर किया है। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि जब भी त्यौहार का हमारा सीजन आता है तो ऐसी स्थिति में हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरियां करते हैं और इस तरह की घटनाओं को करते हैं। क्योंकि ये सातिर किस्म के हैं और ये अपना हुलिया बदल के आते थे, लिहाजा ये पकड़े नहीं गए थे। कुछ इन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, उनको भी वेरीफाई करेंगे। लेकिन आज इस जो 3 दिन की पहले की जो घटना थी इसमें 100% रिकवरी हुई है, साथ ही दोनों अभियुक्त पकड़े गए हैं और इनमें जो घटना में इनके द्वारा मोटरसाइकिल किया गया था वो भी हमारे द्वारा रिकवर किया गया। इनकी अरेस्टिंग ढेलापुर से सुनिश्चित की गई है, आज इनको माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया।